Hello everyone, I am Alokita and I would like to wish you guys a very happy Makar Sankranti. पता है काफी लेट विश कर रही हूँ बट देर आए दुरुस्त आए. तो ना आज मुझे आप सभी को एक बात कहनी है और ये बात ना मैं नहीं कहूँगी, मेरे साथ ना बहुत सारे सेलिब्रिटीज है जो ये बात आपको कहने वाले हैं. और पता है कमाल की बात ये है कि इनसे ना बात करने के लिए ना मुझे ज्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ा. सो लेट्स सी व्हाट्स देयर टेक ऑन दिस. हेलो शाहरुख जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं बस ये कहना चाहता हूँ थोड़ी थोड़ी जान, थोड़ी थोड़ी जान, नायलॉन के मांझा से बच्चों की जान जाए. हाँ, इसके लिए सादा मांझा यूज करो, नायलॉन. हाय रोहित, क्या कर रहे हो आप? मैं पतंग को जोड़ रहा हूँ इस मांझा से. मैंने सादा सादा मांझा यूज किया, ये भी सादा है, ये भी सादा है. हम इन दोनों को मैं साथ में जोड़ के पतंग उड़ाऊंगा. नायलॉन का मांझा कभी भी यूज मत करना, जादू ने कहा है उससे पंछी मर जाते हैं. पंछी मर जाते हैं, बहुत सारे पंछी मरते हैं उससे. सादा मांझा से उड़ा, उससे भी उड़ा सकते हो. ओके रोहित, ओके, यस, कम ऑन रोहित. अरे भगवती, पतंग उड़ गई रे. सादा मांझा से उड़ाता हूँ, भी पतंग उड़ती है. पतंग उड़ाने समय पंछियों का ध्यान रखो. सुनील जी, आपका क्या कहना है? तुम पतंग ना उड़ाओ, यह हो नहीं सकता. और नायलॉन के मांझा से मैं तुम्हें उड़ाने नहीं दूंगा. भाई क्या हाल है? वाओ यार, कमाल है, मजा आ रहा है पतंग उड़ाने को. पतंग उड़ाओ पर तैमूर की फोटो के साथ पतंग मत उड़ाओ. लो सादा पतंग लाया मैंने, कमाल है यार. और एक बात जरूर याद रखना, नायलॉन के मांझा से पतंग मत उड़ाना यार. क्या बात है, क्या बात है सैफ जी. करीना कहाँ है? वो घर पे खाना बना रही है. उड़ना, किसको समझा रहा हूँ मैं? आ गए नायलॉन मांझा लेकर पतंग उड़ाने. पंछी की मुंडी कटती है तो कटने तो हमें क्या. सादा सादा मांझा से उड़ाओ और पतंग उड़ा के मजा लो परिवार के साथ. जरूरी नहीं है नायलॉन मांझा यूज करने का. मैं भी अभी पतंग उड़ा रहा हूँ, देखो. पतंग उड़ाओ पर नायलॉन के मांझा से पतंग मत उड़ाओ. मानो या ना मानो, बहुत सारी पंछी की जान जाती है भैया. हैप्पी मकर संक्रांति टू यू.